चलिए, तो अब हम क्या करना चाहते हैं इस वीडियो में? सॉरी वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज जया। आई होप यू ऑल आर फाइन। इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, आई एम रियली हैप्पी टू टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल बिलो एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। सो आई होप आप लोग एकदम सेफ होंगे और एकदम सही होंगे और अपने घर पे होंगे। सो गाइज, इन दिस वीडियो आई एम टेलिंग अबाउट द मामा अर्थ प्रोडक्ट्स। ठीक है, मामा अर्थ प्रोडक्ट्स के रिव्यू दूंगी इस वीडियो में मैं आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो प्लीज मेरी वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना। So let's get in the video. First of all, जो मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा मतलब ट्रेंड में चल रहे थे उस टाइम पे, जिस टाइम पे मैंने ये लिए थे, कि हर कोई मामाअर्थ के प्रोडक्ट ले रहा था। तो मैंने मेरे स्मूथनिंग वाले प्रोडक्ट थे उस टाइम पे वो खत्म हो चुके थे, तो मैंने सोचा कुछ अलग यूज करते हैं, क्योंकि आफ्टर 1 ईयर 6 मंथ तक मैंने यूज किया था, उसके बाद मैंने मामाअर्थ के प्रोडक्ट लिए थे। सो मामाअर्थ के प्रोडक्ट का रिव्यू मैं आज आपको देने वाली हूँ, वो भी एकदम ऑनेस्ट रिव्यू है, ये कुछ भी झूठ नहीं है इसमें, ठीक है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे पहले ऑनियन शैम्पू। ठीक है, ऑनियन शैम्पू की बात करेंगे, जो कि अभी भी यहाँ तक मेरा भरा हुआ है, जो कि मैंने यूज़ नहीं किया, मैंने बीच में ही छोड़ दिया इसको यूज़ करना। इसका जो रिव्यू है बहुत ही बैड है गाइस, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा बैड है इसका रिव्यू, बिकॉज ये इसकी वजह से हेयर फॉल ऑलरेडी हो रहे थे, बीच में मेरे हेयर फॉल थोड़े से मतलब कम हो गए थे, रिड्यूस हो गए थे, बट आफ्टर दिस जब मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट करा तब आपको पता है कुछ भी न्यू ग्रोथ नहीं होती। ये आप आगे आगे से हेयर देख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे से ये हेयर, ये जो है ये न्यू ग्रोथ हो रही है, बिकॉज यहाँ से सारे हेयर्स उड़ जाते हैं आगे से, छोटे छोटे और बीच बीच में से टूटते हैं, जो आपके ये जो हेयर्स हैं ये आपके बीच में से पकड़ोगे वैसे ही टूट जाएंगे। बहुत ज़्यादा आपके बालों को बहुत वो बना देता है ये वाला शैम्पू। मेरे लिए इसका रिव्यू बहुत ही बैड है, मैं इसको 10 out of 1 देना चाहती हूँ, 1, क्योंकि थोड़ा सा यूज़ करा इसलिए 1 दे रही हूँ, अगर 0 देती मैं तो बिल्कुल, बिकॉज मेरे को इसका कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। और जो इसकी कॉस्ट होती है वो कितनी होती है, 349, बताओ 349 रुपीज़ मेरे वेस्ट चले गए। इतने में मैं क्या कर लेती, अच्छा सा कुछ खा लेती जोमेटो पे से लेके, सॉरी। ठीक है, मैं बात करने वाली हूँ ऑनियन कंडीशनर प्याज वाला, हाँ, तो कंडीशनर के बारे में। कंडीशनर ठीक है, मैं इसको इतना बुरा नहीं कहूँगी, क्योंकि अभी भी मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। तो जो कंडीशनर को मैं 10 out of 7 देना चाहती हूँ, क्योंकि ये मुझे अच्छा लगा, इतना अच्छा नहीं लगा बट फिर भी 7 इसलिए दे रही हूँ क्योंकि यूज़ मैं इसको कर रही हूँ अभी तक, और बहुत ही मुझे सही लग रहा है। मैंने अभी भी बालों में यही कंडीशनर यूज़ किया है आफ्टर शैम्पू, देन बिकॉज जो मेरा कंडीशनर था जो अभी यूज़ कर रही थी मैं हाल फिलहाल, वो ख़त्म हो गया था, ठीक है ना। तो मैं इसको 1 month से यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि लॉकडाउन में नहीं ले पाई कहीं से, तो फिर ये रखा हुआ था तो मैंने इसको यूज़ करा। तो पहले इतना बीच में मैंने छोड़ दिया था, बट अब मैं यूज़ कर रही हूँ तो अब थोड़ा बहुत सही लग रहा है मुझे, मतलब स्मूथनेस देता है ये, बट ये सिर्फ 1 या 2 डे तक स्मूथ रखेगा आपके, मतलब कोई भी कंडीशनर रखता है आफ्टर 1 या 2 डे के बाद तो वैसे भी ऐसे बाल आपके रफ रफ हो जाते हैं। तो कंडीशनर आपका सही है, इसका जो प्राइस है वो भी 349 रुपीज़ है, ठीक है, 349 रुपीज़ है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इनके प्राइस दे दूंगी और जो भी डिस्काउंट चल रहा होता है वो आप चेक कर लीजिए। उसके बाद मामा अर्थ का ऑनियन हेयर ऑयल, उसका मेरे पास है नहीं बिकॉज वो ख़त्म हो गया था तो मैंने फेंक दिया, बट मामा अर्थ का जो ऑनियन हेयर ऑयल था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था मेरे लिए, मैं उसको 10 out of 8 दूंगी, 10 नहीं दे सकती, इतना भी अच्छा नहीं था, ठीक है। मतलब आफ्टर ऑल जो मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स हैं वो इतने अच्छे नहीं है गाइज, जितना लोगों ने उनको रिव्यू दे रखा है कि बहुत अच्छे हैं। मैंने तो यूट्यूब से ही रिव्यू देख के, मतलब यूट्यूब से ही देख के मैंने इसको परचेज किया था, मतलब मामा अर्थ की साइट से, कि बहुत अच्छे हैं, लोगों के हेयर्स आते हैं, मैंने बिकॉज सिर्फ और सिर्फ मैंने हेयर फॉल की वजह से लिया था। जब मुझे एक्सेस वाला हेयर फॉल हो रहा था तो मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था, मैं होम रेमेडीज भी यूज़ करके थक चुकी थी, देन उसके बाद मैंने ऑर्डर किया था इस चीज़ इसको, तो फिर मैंने इसको यूज़ करा पूरा, मतलब जो हेयर ऑयल था वो तो मेरा पूरा टू टू थ्री मंथ्स पूरा चला था मेरा वो हेयर ऑयल, बहुत मतलब उसमें क्वांटिटी में कम होती है, हेयर ऑयल की क्वांटिटी कम होती है, इतना ही बड़ा था उसका भी बॉक्स, मतलब सॉरी ये बॉटल इतनी ही बड़ी थी, तो वो भी बहुत अच्छा था। मतलब जो होता है बहुत ज़्यादा स्मेल उसकी जो थी, वो आपको ऑनियन की स्मेल वो थोड़ी हार्ड होती है, बट
उससे आपके बाल आप लगाते हो तो आपके बहुत ज़्यादा सिल्कीनेस आपको फील होती है। तो मैं मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स में से सिर्फ और सिर्फ ऑनियन ऑयल को ही देना चाहूँगी 10 out of 8, ठीक है ना। सो गाइस, ठीक है, आप लोगों को पता लग गया है कि ये जो मेरा मामा अर्थ का जो ये प्रोडक्ट का रिव्यू है, मेरा ज़्यादा अच्छा नहीं गया है। इसको मैं 10 out of 1 देना चाहूँगी शैम्पू के लिए, बिकॉज ये अभी तक भरा हुआ है और मेरे इसके वजह से मेरे पैसे वेस्ट हो गए। मुझे बहुत गुस्सा आ रही है इस शैम्पू के ऊपर, बट अब क्या कर सकती हूँ, मेरे पास ही रखा हुआ है, किसी को लेना है तो मेरे से कॉन्टेक्ट कर लो। देन उसके बाद ऑनियन कंडीशनर जो मैं यूज़ कर रही हूँ अभी तक, ये सही है, इसको 10 out of 7 देना चाहूँगी। तो ये दो चीज़ें मैं अभी नहीं यूज़ कर रही, मतलब पहले के रिव्यू बता रही हूँ जो मैंने यूज़ करे थे इस मॉर्निंग के टाइम पे। अभी हाल फिलहाल 2021 जब स्टार्ट हुआ था तब मैंने यूज़ करा था इसको, ठीक है। और अब जो मैं यूज़ कर रही हूँ और जो मुझे लग रहा है फ़ायदेमंद, वो है ट्रेज़मे, ठीक है गाइस। तो ये जो ट्रेज़मे का शैम्पू है आपको दिख रहा होगा, ये ट्रेज़मे का शैम्पू है हेयर फॉल डिफेंस विथ कैरेटीन प्रोटीन अप टू 97% लेस हेयर ब्रेकेज आफ्टर वन वॉश। ये तो झूठ ही लिखा हुआ है, ठीक है, हेयर फॉल होता है गाइस, सच मत मानना। ये सही है आपका नॉर्मल हेयर वॉश के लिए, मुझे शैम्पू चाहिए था। ये सब शैम्पू यूज़ करने की वजह से मेरे बहुत ज़्यादा स्काल्प बहुत ज़्यादा ऑयली हो गया था, जिसकी वजह से मेरे जो ये पिंपल्स हैं आप फॉरहेड पे देख रहे हैं, ये पिंपल्स, मतलब मेरे पिंपल्स आप मैं बता नहीं सकती गाइस, इतना ज़्यादा मुझे ट्रीटमेंट करवाना ही पड़ेगा। ये स्मूदनिंग की वजह से मुझे जो फर्स्ट लॉस हुआ है सिर्फ यही हुआ है कि मेरा स्काल्प बहुत ज़्यादा ऑयली हो चुका है, जिसकी वजह से मेरे जो फेस पे पिंपल बहुत जल्दी आते हैं, ठीक है। और आपको पिंपल्स इस वजह से भी आते हैं, आपको पता है कि आपको हेल्दी मतलब फूड जो है वो हेल्दी खाना चाहिए, जो मैं नहीं खाती हूँ। तो ट्रेज़मे का कंडीशनर ये भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कंडीशनर है, मैं इसको 10 out of 10 देना चाहती हूँ, इससे बाल बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाते हैं, ठीक है। ट्रेज़मे का शैम्पू है, इसको भी मैं 10 out of 8 ही दूंगी यार, 10 out of 10 नहीं दे सकती, अभी तक ऐसा शैम्पू ही नहीं मिला कोई जिसको 10 out of 10 दूँ, ढूंढूंगी कोई और। तो ट्रेज़मे सही है शैम्पू, इतना भी बुरा नहीं है। इसमें दो कलर्स आते हैं जो आपको पता है, पिंक या मैजेंटा वाला जो भी कलर है, बट मैंने ब्लैक इसलिए लिया था, मैंने ये नायका से ऑर्डर किया था, तो आपको मेरे को कितने का डिस्काउंट पड़ा इसकी वीडियो मेरे पास है, अगर आपको चाहिए तो आप मेरे से कमेंट में या इंस्टाग्राम पे मेरे को DM करके पूछ सकते हैं। सो आई होप गाइज आपको मेरी इन प्रोडक्ट्स की वीडियो अच्छी लगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो भी सब्सक्राइब कर दो यार, क्या जा रहा है एक सब्सक्राइब से, प्लीज़, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।